अभी हम यहाँ पे बस का तो फाइनली पहुंच चुकी हैं सुबह के 3। अगर आपका लाइट भी है तो मैं क्या करूँ। तो कहीं अभी हो चुके हैं 11:30। तो मेरी पति देव ठीक है भाई, मतलब आँखों पे मुझे इतना वजन सा। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कहाँ के लिए रेडी हुई है, तो मैं जा रही हूँ आज नाहन, मतलब अभी मैं बक्सियार से निकल रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 3:30। तो पहले जाऊँगी मैं मंडी, फिर जाऊँगी मैं वहाँ से नाहन के लिए। तो अभी मैं बस का वेट कर रही हूँ। तो सुबह मैं ना पहले सैलून गई थी, तो अभी जस्ट मैं सैलून से पहुँची और फिर फटाफट रेडी होके रोड पर पहुँच गई। तो अभी ना मैं बस का वेट कर रही हूँ और फिर पहुंच गई मैं पंडों में। फिर मैंने यहाँ से अपनी बस चेंज की, बड़े दिनों के बाद मैंने पंडों के नज़ारे देखे। फिर पहुंच गई मैं मंडी, मंडी में रुकी थी मैं थोड़ी देर प्रताप भैया के पास, फिर हमने वो थोड़े से फ़ोटो शूट किए। तो गई जब भी पहुँचे हम मंडी में, तो यहाँ पे आ गए काकू भाई, तो अभी जा रहे हैं हम कुछ खाने। तो खाने खाने का हमारा मन नहीं था, हमने सोचा चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किए मोमोज। तो अभी बैठ चुके हैं 7:00, तो 8:00 मेरी बस है। ये मेरी बस दे दे जा। तो गई जी यहाँ पे रुके हैं खाना खाने, आ जाओ। तो अभी ना रात के 12 बज रहे थे और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। कभी आ रही थी तो सीधा फेस पे लाइट पड़ रही थी और नींद जा रही थी। फिर उसके बाद पहुँच गए हम काला आम में। यहाँ पे भैया वगैरह ने चाय पी, तो उन्होंने कहा कि चलो आप भी पी लो, क्योंकि मैं ही जाग रही थी। फिर बस नहान मतलब यहाँ से थोड़ा ही दूर रह गया था, इस साइड हो गया। नहीं नहीं बैग ही। तो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुकी मैं यहाँ पे। जल्दी बैठ जल्दी। अरे सही में आप स्कूटी में आओ, किस में आना? नहीं गाड़ी में आया, मुझे पता है ये किसकी गाड़ी है। तो ये ड्राइवर थे ना अभी, पहले उस टाइम कोई और ही थे। मैंने बोला नहीं ये पंडोस हैं, ये थे वो। इनका नेचर इतना अच्छा था ना बेचारे ने, अभी मेरे को चाय भी पिलाई पता। तो गाइस अभी चल पड़ते हैं हम रूम को। तो यहाँ से है हमारा रूम कोई 3 किलोमीटर, फिर हम आपको मिलते हैं। नींद नहीं आ रही क्या चैनी? नींद उससे अच्छा तो लास्ट वाली सीटें थी, सीधी लाइट पड़ रही। जब भी कोई गाड़ी आ रही सीधी लाइट यहाँ पे पर नहीं, आगे बैठने का मजा भी आया ना, पर ऐसा तो नहीं है कुछ भी। पर फिर भी मतलब लाइट पड़ रही सीधा ही और तो कुछ नहीं। क्यों मैं अभी तो आया था, जब अभी था आगे बैठा था मैं तो पूरा का पूरा सो के आया था। मैं तो सोना थे पे थोड़ी देर सोई ना, 10-20 मिनट सोना, उतने को सीधी जब ऐसी बड़ी गाड़ी की लाइट फेस पे पड़नी एकदम से आंखें खुल गई। और जितने भी थे सब थे इतने खराटे लेके सोए हुए, पता जो मेरे साथ एक लड़की थी कोई और ना, एक उनसे चश्मा यहाँ से लगती है, ये भी थी। ये जा रही है मंडी, आई थी है किसी काम से ना, ये है ऐसा इसने बताया हरिद्वार से है ये बेचारी को। मैंने भाई भी नहीं बोला, जाते जाते मुझे लगे सोई है, क्योंकि ये पूरे रास्ते में सोई थी, पता मैं हैरान हो गई कैसे सो गई है। मैंने देखा फिर हुआ पहुँच चुके हम अपनी बाउंड्री में। क्यों बाउंड्री भी तो इधर लगी थी 3-4 दिन पहले आग ना, अभी तक भी जल रही है। अभी भी वो तो नीचे लिख दिया आपके रूम के बाहर से लगी थी, इधर तक लगी थी, इधर लगी पूरी ऊपर वो देख सामने। ओ ये कैसे लगी थी बे? अरे अभी भी जल रही है। ओ धुआं लग रहा है सही, ये कैसे जली? हां इसमें कपड़े और क्या लाना था मैंने। काकू भाई इधर, काकू भाई बोले थे सिविल बैग है हल्का। अरे ये मैं ये आम के पेड़ भी जड़े, इनकी शक्ल देखो कैसी हुई। ओ इसमें हाँ ये कैसे जड़े थे भाई, ये किसने जलाई आग? ओ तो भी पूरा पेड़ सूख गया। मैंने सोचा था मैंने खाने आके मैंगो, मैंगो थोड़ी डरे कितने कहाँ उसके बाद पता चल गया। ओ शिट गाइस तो भी कितना सुंदर है। इनको ये हो गया था, मेरा तैयार हो गया था। वैसे मेरे को यहाँ गर्मी लग रही है, कल पर मंडे में भी नहीं थी आज ज़्यादा गर्मी। मेरे फोटो कहाँ रखा?
ये देखो मेरे पति देव के हाल, बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा है मेरे बस। देखो इसको रखना ऊपर टंगा आके। क्या मरना तो सुबह लाना नहीं तो अभी बच चुके हैं सुबह के कितने बजे थे भाई 3 बजे तो अभी बज चुके हैं सुबह के 3 तो अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ तब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे में। आपने क्या सब्जी लाई थी भाई मुझे आई भूख मैंने खाना भी खाया पता तुमने क्या मतलब कुछ भी फ्रेंड तो अब क्या खाना खाना फिर नहीं 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 मन नहीं कर रहा मेरे नहीं मन नहीं कर रहा अभी खाने का रहना था गुड मॉर्निंग एवरीवन सो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30 तो अभी जस्ट हमारी मॉर्निंग हुई है थोड़ी देर पहले क्योंकि रात को मैं भी थोड़ा लेट सोई क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अभी ना ब्रेकफास्ट में भिंडी की सब्जी बन रही है तो आज ना ब्लू के पापा का पेपर है तो अभी पढ़ने का काम कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ रोटियाँ क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट जो कि 11 बजे हो रहा है मुझे नहीं पता ये कौन से टाइम का ब्रेकफास्ट है। चार का पानी लाया तो मैं ये पानी पीऊँगी क्योंकि नान के पानी में कोई टेस्ट नहीं है आप थे पैसे भी होगा मेरा गुजारा वो तो कहीं तो हो चुके हैं 11:30 तो मेरे पति देव कर रहे हैं यहाँ पे लंच की तैयारी तो इन्होंने कहा था कि ब्रेकफास्ट तू बना लंच मैं बनाऊँगा तो लंच अभी ये बना रहे हैं। क्या बना रहे सर आप खाने में सर आप बताएंगे क्या बना रहे आप तो ये बना रहे हैं रोंगे की दाल और चावल और तब तक मैं फैन के नीचे बैठती हूँ नहीं तो एक अच्छी बात होगी पता क्या है जिस टाइम मैं पहले आई थी उस टाइम यहाँ पे 5G नहीं था अब मेरा 5G चल रहा है मतलब मैं बोर नहीं होंगी रूम में नहीं तो मैं हॉटस्पॉट ढूंढती रहती आपका तो अभी बज रहे हैं 1 तो पीयू के पापा जा रहे हैं पेपर देने ठीक है ऑल द बेस्ट जा जा मेरे घर अंदर जाओ अंदर किचन में एक टिफिन ले कुछ ठीक है बाय अब देखो कैसी लगी है ये यहाँ से गैस कुछ टाइम पहले आग लगी थी अभी जा चुके हैं पीयू के पापा और यहाँ नीचे अभी भी धुआं आ रहा है देखो और सारा पूरा आम का पेड़ सूख गया और नीचे देखो आम भी आम तो गाइस बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तो अभी मैं अभी ना मतलब कल से जो है नींद पूरी नहीं है तो उस वजह से मतलब आँखों पे मुझे इतना वजन सा लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ अभी फिर पापा आएंगे 5 बजे तो अभी बज रहे हैं 12:30 नहीं सॉरी 1 बज रहे हैं तो पीयू के पापा आएंगे भी 5 बजे तो मैं सोचती हूँ मैं तब तक रेस्ट करती हूँ सो लेती हूँ क्योंकि अपनी नींद मुझे पूरी करनी है क्योंकि नहीं तो यहाँ देखो डार्क सर्कल आ गए। अब मैं सभी दरवाजे को बंद करती हूँ नहीं तो यहाँ पे मंकी इतने ज़्यादा हैं कि तो आ जाते हैं कहीं ना कहीं से तो कहीं से भी बज रहे हैं 4 तो अभी जस्ट मैं सो के उठी तो अभी मैं पीयू से बातें कर रही थी तो अब ना मुझे भूख आ रही है तो मैं सोच रही हूँ अब मैं खाना खा लेती हूँ जब से आई हूँ खाने पीने का कुछ सिस्टम ही नहीं है अलग अलग सा हो रहा है तो अभी पीयू पापा आएंगे अभी 1-1.5 घंटे बाद तो मैं तब तक खाना खा लेती हूँ। तो पीयू के पापा ने बनाया था आज लंच तो मैंने खाया नहीं था तो अभी खा ली मैं
तो अभी आ चुकी मैं खाना खा के, तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग की एंडिंग ना यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट्स शेयर। बाय।